बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम आज की कक्षा में यमराज का बुलावा जो नाटक है, उस नाटक के जो प्रश्नोत्तर है उस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि कल की कक्षा में भी हमने कुछ प्रश्नों पर चर्चा किया है, आज जो व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सर्वनाम पर हमें भी चर्चा करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, चौथा प्रश्न है, चौथा क प्रश्न है, जिसमें प्रस्तुत पाठ एक हास्य नाटिका है, अतः इसमें संवाद ही संवाद है। जैसे, रानी आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? अन्नदाता मैं कभी आपकी झूठी बड़ाई नहीं करता। तुम कौन हो? तुम मेरे महल में इस तरह कैसे घुस आए? ऊपर लिखे वाक्यों के मोटे छपे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप जानते हैं कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी अन्य तीसरे व्यक्ति का बोध कराएं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिस तरह से हमने व्याकरण से संबंधित जो पहली कक्षा में चर्चा कर रहे थे, उस वक्त हमने सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, पहला जो है उत्तम पुरुष, दूसरा जो मध्यम पुरुष, तीसरा जो है अन्य पुरुष। अभी उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम को वक्ता, बोलने वाला या लेखक अपने लिए प्रयोग करें, उसे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझसे, हमसे, मेरे द्वारा, हमारे द्वारा आदि। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उत्तम पुरुष होते हैं। दूसरा जो है मध्यम पुरुष, इसमें वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाला या पाठक जो पढ़ने वाला होता है के लिए प्रयोग करे, उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, तुम, आप, तुम्हें, आपको, तुमको, आपसे, तुमसे, तुम्हारा आदि, तू, तेरा आदि शब्द भी मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द हैं, किंतु भाषा में इनका प्रयोग अच्छा नहीं लगता है। तीसरा जो है अन्य पुरुष, वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए करें, उसे अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, वह, वे लोग, वे सब, उसका, उनका, उसे, उन्हें आदि। इस प्रकार हम सर्वनाम में देखते हैं। इस प्रकार के तीन प्रकार के पुरुषवाची सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए कम से कम तीन तीन वाक्य हमें लिखना है, जिसका उत्तर हमें यहाँ पर आपको उत्तर दिया जा रहा है। जिसका उत्तर यहाँ पे है, उत्तम पुरुष का जो में जो तीन वाक्य हैं, शिवा मेरा साथी है। दूसरा वाक्य है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। तीसरा जो है, हम स्कूल साथ साथ जाते हैं। ये जो है उत्तम पुरुष वाले वाक्य हैं। दूसरा मध्यम पुरुष, इसमें तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। इस प्रकार मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम ये वाक्य हैं। तीसरा जो है अन्य पुरुष, वह चंदन का भाई है, उसका नाम आनंद है, वे दोनों शहर के स्कूल में पढ़ते हैं। इस प्रकार हम तीन तीन वाक्य उदाहरण के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं। और अगला जो प्रश्न है ख, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप आदर सूचक मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम शब्द हैं। जैसे, महाराज आपके समान कोई दूसरा राजा इस धरती पर नहीं है, और महाराज आप तो सब आप ही हैं। अब एक दूसरा वाक्य पढ़िए, मैं अपना काम आप कर लूँगा। इस वाक्य में प्रयुक्त आप निजवाचक सर्वनाम है। वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निजत्व यानी अपनापन का बोध कराने के लिए करता है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, स्वयं, खुद, आप, अपने आप, स्वतः आदि।
इन निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई पांच वाक्य बनाई है। हमें पांच वाक्य लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ पे पांच वाक्य दिए जा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अपने वस्त्र मैं स्वयं धोता हूँ, अपने आपने अपना कोट सिलने डाल दिया, वह खुद मुझसे मिलने आया था। चौथा है, आइए आपको मैं अपने बनाए चित्र दिखाता हूँ। पांचवा है, यह प्रश्न बहुत कठिन है, आप स्वतः हल करके देख लीजिए। इस प्रकार हम पांच वाक्य यहाँ पे देख सकते हैं। जो पांचवा जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, जैसा कि राजा, चंद्र, सूर्य, अंधेरा, पृथ्वी, पुस्तक। इन शब्दों को हम दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसा कि यहाँ पे आपको उत्तर दिया गया है, राजा को हम नरप नरेश भी कहते हैं, चंद्र को इंद्र बिंदु कहते हैं, सूर्य को दिवाकर भास्कर कहते हैं, अंधेरा को हम अंधकार तम कहते हैं, पृथ्वी को धरा और वसुधा भी कहते हैं, और पुस्तक को हम ग्रंथ और किताब भी कहते हैं। इस प्रकार हम पर्यायवाची शब्द यहाँ पे देख सकते हैं। और छठा प्रश्न है, आप क्रिया और काल के विषय में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, इस नाटिका में से छांट कर भूत, वर्तमान और भविष्यत काल के दो दो वाक्य लिखिए। हमें काल से संबंधित दो दो वाक्य लिखना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तर, सबसे पहले भूतकाल के बारे में, राजा तो ऐसा घमंडी था कि पूछो पूछो मत। अपनी झूठी प्रशंसा से फुल फुला रहता था। क्या है, राजा तो ऐसा घमंडी था कि पूछो मत, अपनी झूठी प्रशंसा से फुला रहता था। दूसरा वाक्य है, वे मेरी कोई बात नहीं सुनते थे। अगला है वर्तमान काल, जिसे रानी आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। दूसरा वाक्य है, महाराज आपके समान कोई दूसरा राजा इस धरती पर नहीं है। भविष्यकाल, अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। दूसरा वाक्य है, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। इस प्रकार हम काल से संबंधित वाक्यों को यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो है यहाँ पे कुछ मुहावरों से संबंधित है। सातवां प्रश्न है, मुँह मियाँ मिट्टू बनना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखिए। यहाँ पे कुछ मुहावरे हैं, उन पर हमें उनका अर्थ लिखना है। जैसा कि यहाँ पे मुहावरों का अर्थ दिया गया है। पहला है, मुंह में पानी भर आना, जिसे हम लालच आना कहते हैं। दूसरा है, मुंह की खाना। दूसरा है, मुंह की खाना, जिसे हम पराजित होना कहते हैं। तीसरा है, मुंह पीला पड़ना, जिसे हम भयभीत होना कहते हैं। चौथा है, मुंह फेरना, जिसका अर्थ है उपेक्षा करना। पांचवा है, मुंह फुलाना, जिसे हम कहते हैं नाराज होना। इस प्रकार हम इन मुहावरों का अर्थ यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आखिरी जो आठवां प्रश्न है, क्या आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे जो सामने तो आपकी बड़ाई करते हैं, परंतु पीठ पीछे निंदा करने में जरा भी संकोच नहीं करते। तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। यह बच्चों आपको इसके बारे में सिर्फ सोचना है कि जो लोग सामने एक तरह से रहते हैं और और पीछे एक तरह से रहते हैं, उनके साथ हमें बिल्कुल भी ऐसे लोगों के साथ हमें जितना व्यवहार रखना है उतना ही व्यवहार रखना चाहिए, ज़्यादा उनसे मेल मिलाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम यह जो यमराज का बुलावा पाठ नाटक को हमने जो पढ़ा है और उसके अंतर्गत जो भी प्रश्नोत्तर थे उसके बारे में हमने समझा है। यह नाटक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आप और एक बार इसको वाचन करके
आप समझ सकते हैं, और जब स्कूल प्रारंभ होगा तब हम इसके बारे में अधिक जानकारी और भी प्राप्त करेंगे।